हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कूल परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर कक्षा 1 से 9 तक और 11वीं क्लास को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको न्यूज़ दिखाते हैं यूपी बोर्ड की, तो ये आप देख सकते हो यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 दसवीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को लेकर जहां छात्रों ने में परेशानी देखी जा रही, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा 21 अप्रैल को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थगित किया गया है। इस प्रकार बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जाँच 25 अप्रैल से कराए जाने की संभावना समाप्त हो जाती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा 17 अप्रैल को दी गई जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल से कॉपियां जांच कराए जाने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों और विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के विरोध को देखते हुए भी कॉपियों की जाँच 25 अप्रैल से शुरू नहीं हो पाएगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच में लॉकडाउन के कारण आ रही अड़चनों को देखते हुए 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा की संभावना मई में किए जाने की संभावना नज़र नहीं आ रही। उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट और इंटरमीडिएट के नतीजे जून के पहले या दूसरे हफ्ते में घोषित करेगा। वहीं राज्य के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं दी है को पास कराने के लिए पैसे की मांग की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 21 अप्रैल को जारी विज्ञप्ति में ऐसे लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और पुलिस प्रशासन के निर्देश जारी किए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे इस प्रकार के प्रलोभन में न पड़ते हुए बल्कि उनके मोबाइल नंबर, पैसा जमा कराने के लिए दिए गए बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी साझा करें। अगर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में कुल 50 लाख परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे थे। इनकी कॉपियों की जाँच के लिए 1.5 लाख शिक्षकों व मूल्यांकनकर्ताओं को लगाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा नोटिस जारी किया गया था, आपको पता होगा। तो आपका जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं का, वो जून के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। तो जब भी इससे संबंध में कोई नई न्यूज़ आएगी आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।